नमस्ते, अहम योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हीना गांधी आज आपसे बात करने जा रही हूँ मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज हर एक लेडीज़ के जीवन में आने वाला एक फेज़ है जिसमें कि उनके हॉर्मोन्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं और उनके अंदर कुछ कुछ फिज़िकल और मेंटल चेंजेस पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये हर एक के जीवन में होती ही है और इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें होता ये है कि हमारी जो ओवरीज हैं वो धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं उसे प्रोडक्शन करना उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देती हैं, और इसकी वजह से एस्ट्रोजन की कमी आने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेडीज़ के अंदर सबसे पहला चेंजेस लेडीज़ नोटिस करती हैं कि उन्हें हॉट फ्लशेस हो रहे हैं। वातावरण में नमी नहीं हो, गर्मी नहीं हो, फिर भी उन्हें गर्मी लगती है। ज़्यादा करके रात में उनको स्वेटिंग होता है, नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्लीपलेसनेस बढ़ जाता है, उनका मेंटल इरीटेशन या एजिटेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बॉडी में उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कि बेली फैट बहुत बढ़ जाता है। उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्शियसनेस आ जाता है, उनको ऐसे लगता है कि उनका वज़न बहुत बढ़ रहा है, पर ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम अवॉइड करें तो मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हॉट फ्लशेस आते हैं या नाइट स्वेट्स आते हैं, उसके साथ साथ स्लीपलेसनेस आती है, उसके साथ साथ ड्राई स्किन हो जाती है, पूरी बॉडी में सिक्रेशंस आना कम हो जाता है, उसके साथ साथ इजी फटीगेबिलिटी आती है, यानी कि कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर दुखने लगते हैं, हर एक काम करने का जैसे कभी मूड ही नहीं बनता है, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए अगर आप पहले से ही योगाभ्यास करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलती है, ये सारे सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं या आपको बॉदर नहीं करते हैं। और एक अवस्था होती है जिसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल फेज। पेरीमेनोपॉजल फेज जो है वो मेनोपॉज के 4-5 साल पहले से शुरू हो सकता है। इसमें आपको ये सारे चेंजेस नोटिस होने लगते हैं, जैसे कि धीरे धीरे करके, जैसे आपका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था तब 2 साल पहले से जो बॉडी में चेंजेस, जो बदलाव आने लगे थे, आपकी आवाज़ में चेंजेस आने लगे थे, आपके बॉडी के शेप में चेंजेस आने लगे थे, वैसे ही चेंजेस मेनोपॉज के कुछ साल पहले, 3-5 साल पहले तक में भी नोटिस किए गए हैं, तो उसे कहते हैं पेरीमेनोपॉजल स्टेज। इन सब पेरीमेनोपॉजल स्टेज में आते ही अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और योगाभ्यास यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आपको बॉदर नहीं करते हैं ज़्यादा। योगाभ्यास में आप योगासन में बहुत सारे आसन हैं जो कि मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं, यानी कि आप भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई पोज में बैठ सकते हैं, लोटस पोज में बैठ सकते हैं, और उसी पोज में आप मत्स्यासन हो गया या पश्चिमोत्तानासन हो गया या पर्वतासन हो गया, इस तरह के आसनों का लगातार रोज़ाना अभ्यास कर सकते हैं। इन्हें आप अपने डेली रूटीन में एक तरह का सेट करके रख सकते हैं और ये आपको सारी सिम्टम्स से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। मेंटल एजिटेशन, मेंटल इरिटेबिलिटी जब बहुत बढ़ जाती है, बार बार बात बात पर गुस्सा आता है, उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम है या लंबा सा एक्सहेलेशन है जिसे रेचक प्राणायाम बोलते हैं, अगर ऐसे वाले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है आपको। जनरली ये सारे सिम्टम्स हर एक लेडीज़ में देखे जाते हैं, लेकिन कई लेडीज़ में ये सिम्टम्स थोड़े अग्रावेटेड दिखते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी वाले दिखते हैं, तो उनको हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या आपको वॉमिटिंग हो रही है या आपको एक्सेसिव हॉट फ्लशेस वगैरह आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जा कर के इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये नेचुरल फिनोमिनन है, इससे डरे नहीं, इसके आने से आपको कोई
आगे जाकर भी और कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर डाइट या न्यूट्रिशन आपका सही से रखें, आपका रूटीन अच्छे से सेट करें, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मैं रिकमेंड करूँगी योगाभ्यास, योगासन और प्राणायाम को ऐड करें और मेनोपॉज की जो अवस्था है वो बहुत हँसते हँसते गुजर जाएगी। थैंक यू।